Short turning around. Plan B terminated. Repeat, plan B terminated. संतोष सर कह रहे हैं कि प्लान बी टर्मिनेटेड। मुझको वहां ट्रांसफर करके जिंदा दफनाने का आइडिया किसने? खतरा बहुत है। अब नीचे नहीं जाएगी, आधी पैनल नीचे। अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में। फाइनली बॉलीवुड के अच्छे दिन लौट कर आ गए हैं और इसी के साथ साथ अक्षय कुमार के भी अच्छे दिन लौटना शुरू हो गए हैं। अक्षय कुमार की पिछली मूवी OMG 2 को लोगों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला और इसी के चलते अक्षय कुमार की एक और फिल्म बहुत ही जल्दी आने वाली है। अभी कुछ ही दिनों पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था। हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की आने वाली मिशन रानीगंज मूवी की। जन्माष्टमी वाले दिन इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था और फिल्म के टीजर को लोगों से काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला। इसी के चलते फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट भी बनी हुई है क्योंकि अक्षय कुमार की यह फिल्म एक बायोपिक फिल्म होने वाली है। फिल्म में हमको एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताया जाएगा। वही फिल्म की स्टोरी में हमें 1989 में हुए रानीगंज माइंस के हादसे को बताया जाएगा। इसमें जसवंत सिंह गिल नाम के एक माइन इंजीनियर ने 65 मजदूरों की जान बचाई थी। जसवंत सिंह गिल की लाइफ के ऊपर ये फिल्म बनने जा रही है और फिल्म के टीजर को देखने के बाद लग रहा है कि फिल्म में हमें थोड़ा बहुत एक्शन के साथ साथ काफी इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। फिल्म के टीजर को तो लोगों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला। अब देखना यह होगा कि फिल्म को लोगों से कैसा रिस्पांस मिलता है। वहीं बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो फिल्म में हमें लीड रोल में अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे जो फिल्म में जसवंत सिंह गिल का रोल निभा रहे हैं। अक्षय कुमार के साथ साथ फिल्म में हमें रवि किशन भी देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें फिल्म की हीरोइन की तो फिल्म में हीरोइन के रोल में प्रणीति चोपड़ा देखने को मिलने वाली है। और बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक टीनू सुरेश देसाई के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। इस फिल्म के रिलीज होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है और मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अगले कुछ ही दिनों में फिल्म का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा और अगर फिल्म के ट्रेलर को लोगों से उतना अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिल्म को भी लोगों से काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की है 6 अक्टूबर 2023 फाइनल, यानी कि इस फिल्म को रिलीज होने में 2-3 हफ्तों का टाइम बचा हुआ है। बस कुछ दिनों का और इंतजार और एक बार फिर अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है। वहीं बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म के बजट को लेकर अभी तक कोई पक्की खबर नहीं आई है, पर सुनने को जो मिल रहा है उसमें बजट को बताया जा रहा है 60 से 70 करोड़। अब देखना यह होगा कि ये फिल्म भी अक्षय कुमार की OMG 2 फिल्म की तरह बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है। फिल्म हमें थोड़े बहुत एक्शन के साथ काफी ज्यादा इमोशनल भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।